इंटरसेक्शन, 10th स्टैंडर्ड के पेपर पैटर्न के हिसाब से 9th स्टैंडर्ड का सम, ए इज अ सेट ऑफ, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ए इसको इज इक्वल टू बोलेंगे इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ये एक्स को क्या बोलेंगे ऑल एक्स, ये लाइन को क्या बोलते हैं सच डैट एक्स, इसको बोलेंगे बिलोंग टू, ये क्या है ये सिंबल क्या है बिलोंग टू, एक्स बिलोंग टू इंटीजर कॉमा एक्स इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो को क्या बोलेंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर डॉट डॉट डॉट, नंबर्स इनफाइनाइट है ओके। फिर बोल रहे बी इसको पढ़ेंगे बी इजा इज इक्वल टू बोलेंगे इजा, ये ब्रैकेट को क्या बोलेंगे सेट ऑफ, ये वाई को बोलेंगे ऑल वाई, इसको बोलेंगे सच डेट वाई बिलोंग टू इंटीजर एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके डॉट डॉट डॉट। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन जीरो, इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, इंटीजर पॉजिटिव भी बोलते हैं नेगेटिव भी बोलते हैं और जीरो भी बोलते हैं, लेकिन इन लोग बोल रहे एक्स इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो यानी जीरो से कम कौन है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर डॉट डॉट डॉट, ज़्यादा मत लिखो समझ है, नंबर इनफाइनाइट है। बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच डैट वाई बिलोंग टू इंटीजर एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो यानी 1 2 3 4 डॉट 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 ओके। इंटीजर किसको बोलते हैं जिसमें प्लस भी आते हैं माइनस भी आते हैं जीरो भी आता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे स्मॉलर देन जीरो, इसके लिए माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर डॉट डॉट डॉट, ग्रेटर देन जीरो यानी 1 2 3 4 ये इंटरसेक्शन फाइंड करने का, क्या फाइंड करने का है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ए इसको क्या बोलेंगे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, एक जैसा, क्या ये माइनस वन वन एक जैसा है नो, ये एक जैसा है नो, ये एक जैसे है क्या नहीं, माइनस फोर फोर एक जैसा है, कुछ भी एक जैसे नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट, तुम लोग ऐसा भी लिख सकते ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट ओके, नील बोलते इसको नल, नील सेट, इंटरसेक्शन बी इज नथिंग ओके। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, अगेन फाइंड द इंटरसेक्शन, तुम्हारे को दे रहे सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर, और काउंटिंग नंबर वन से चालू होते, नेचुरल नंबर वन से चालू होते, तो फाइव लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू टेन ओके। डी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच डेट वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर जीरो से चालू होते, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके डॉट डॉट डॉट, बट यहाँ पे क्या बोले फाइव लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल लेस देन टेन, लेस देन टेन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, फाइव लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन टेन। चलो अब लिखेंगे सी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर कंटिन्यूस नंबर होना चाहिए, फाइव लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू टेन, क्या इज लेस देन इक्वल टू है क्या नहीं, तो हम लोग फाइव को नहीं लेंगे, फाइव के बाद कौन आएगा सिक्स सेवन एट नाइन, काउंटिंग नंबर ना, क्या मैं टेन को लूंगा हाँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी है एक, लेस देन की भी साइन है और इक्वल टू की भी साइन है, इसके लिए मैं टेन लिखूंगा ओके। फाइव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन की साइन है लेकिन इक्वल टू की साइन नहीं है, इसके लिए फाइव के बाद कौन आता है कंटिन्यू काउंटिंग नंबर सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके। नाउ गो विद डी, डी के बारे में क्या बोल रहे वाई बिलोंग्स टू वाई, डी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच डेट वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, फिर होल नंबर किसको बोलते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके, फाइव लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन टेन, अभी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है ना, तो फाइव है तो मैं फाइव को लूंगा, और होल नंबर भी जीरो से चालू होता है लेकिन अभी यहाँ तो फाइव से चालू करने बोले ना, फाइव के बाद कौन आएगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के बाद कौन आएगा सिक्स, सिक्स के बाद सेवन, सेवन के बाद एट, एट के बाद नाइन, नाइन के बाद टेन आता है, लेकिन इधर में टेन है लेकिन क्या यहाँ पे इक्वल टू की निशान है क्या, मतलब लेस देन के नीचे, लेस देन के नीचे ऐसी लाइन है क्या नहीं ना, तो हम लोग टेन को नहीं लेंगे, टेन को नहीं लेंगे। अब फाइंड करेंगे सी और डी का, उन्होंने क्या बोले क्वेश्चन में पढ़ो, फाइंड द इंटरसेक्शन, तो सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, सिक्स सिक्स एक जैसा है लिखेंगे, सेवन सेवन एक जैसा है लिखेंगे, एट एट एक जैसा है लिखेंगे,
नाइन नाइन एक जैसा लिखेंगे, टेन है क्या इधर, टेन है तो नहीं लिखेंगे। ओके आंसर इज सी इंटरसेक्शन डी इज 6 7 8 9। ओके क्वेश्चन देखे ना आप लोग ने, देख लो फाइंड द इंटरसेक्शन, दो क्वेश्चन एक ये और एक ये।